शादी मुबारक में आप देखेंगे कि नंदिनी और उसके बेटे ने जो चाल चली उसकी वजह से यहाँ पर प्रीति फिसल के गिर जाती है और इसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। वो यहाँ केटी जी को कॉल करती है और कहती है उसे चोट लग गई है, तो वो इस मीटिंग में नहीं जा पाएगी। केटी जी भाग के आते हैं, यहाँ उसे संभालते हैं और उस मीटिंग को भी अटेंड करते हैं। प्रीति को लगा था कि केटी ने तो कहा था वो ये मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर केटी कहते हैं कि आपकी ये हालत है, ऐसे में मुझे आना ही पड़ा। खैर, उधर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीति को पूरा शक हो जाएगा कि ये जिसकी वो शादी की बात चल रही है, जिसकी शादी का पूरा काम ये लोग लेने वाले हैं, वो कोई और नहीं, वो नंदिनी है, यानी केटी की पत्नी। दरअसल जब प्रीति घर आती है, कुसुम उसे अपने साथ हुए सारे हादसे के बारे में बताती है कि किस तरह से वो महिला ने उसका घड़ा तोड़ दिया और उसने उसकी फोटो खींच ली। और फोटो जब देखती है प्रीति, तो उसे पता चल जाता है कि ये तो केटी जी की वाइफ है। ऐसे में प्रीति को शक होता है और वो जगह डिसाइड करती है जहां पर वो आज लॉन्ड्री में कपड़े लेने जाने वाली है। यहां पर प्रीति पहुंचती है और पहचान लेती है, प्रीति और कुसुम दोनों पहुंचते हैं और यहां पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं, ये केटी की एक्स वाइफ नंदिनी है। प्रीति यहां पर उससे बात करती है और कुसुम कहती है कि हमें केटी को ये सच बताना पड़ेगा, और यहां पर वो केटी को बुलाती है और केटी के सामने सारा सच आ जाता है, नंदिनी का आमना सामना होता है। और यहां पर केटी को पता चल जाता है कि जिसकी शादी का काम वो लोग ले रहे थे, जो लड़का था जो अपने मम्मी पापा की शादी फिर से करवाना चाह रहा था, वो कोई और नहीं, वो नंदिनी और केटी ही थे। अब देखना यह है कि केटी ये सब जानने के बाद नंदिनी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं।